नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मुस्लिम वोट चाहिए, मतलब मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्हाई? एकदम जाति वाला बात ही है, जाति वाला बात है। मुस्लिम को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लीडरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके अंदर में वो एबिलिटी नहीं है वो लीड कर सके। कोई किसी का रोक नहीं सकता है, अंदर का चीज को रोक नहीं सकता है। चैलेंज है, हम जिस दल में भी रहेंगे अपना एबिलिटी को हम दिखा के रहेंगे। तीन टीम के हमें बोले कल तीन घंटे बैठे तो पांच घंटे के लिए खर्चा करना हमने तीन मिनट का सर फोन नहीं प्रेस अरे फोन नहीं फोन नहीं फोन नहीं क्यों नाराज हुए आप? नाराज होने का कारण है कि वहाँ पर देखिए जिस तरह सब लीड कर रहे हैं, आपको भी बोला गया कि आप मायोरिटी सेल का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, आप भी वहाँ मौजूद रहिए, बैठिए। उसके बाद टीम आने के बाद हमें बोला जा रहा है कि नहीं, तीन आदमी ही बैठेगा, तीन लीडर ही बैठेगा, आप प्लीज यहाँ छोड़िए। हमने ठीक कुछ नो डाउट। उसके बाद देखा जाता है फिर छात्र का जो ये है उसको जतिन गुप्ता उसको बुलाया जाता है, अभी वहाँ पर उसको बुलाया जाता है, संजय भाई है उसको भी बुलाया जाता है। इससे हमको तकलीफ हुआ, मतलब आप मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स को आप वोट बैंक बना कर तब रखते हैं, मगर अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर कोई लीड करता है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्यों? व्हाई? तो आप लोग अल्पसंख्यक जो जिला का जो सभापति उनसे ये शिकायत करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम ऊपर महल तक खबर करेंगे जब तक इस पद में है। हम अपना देखिए, जब हम संगठन कर सकते हैं, वोट दिला सकते हैं, मीटिंग मशीन में आदमी ला सकते हैं, तो अपना अगर इज्जत के लिए प्रेस्टीज के लिए हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अमजद अंसारी, मायोरिटी सेल कुलटी ब्लॉक प्रेसिडेंट। তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে যারা সংখ্যালঘু ভোট আছে ওনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন। কুলটি বিধানসভা অঞ্চলে যে সমস্ত মুসলিম ভোটাররা আছেন তারা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন, কারণ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটারদের জন্য যে পরিমাণ কাজ করেছে তাতে কিছু করা যায় না। আজকে যিনি এখানে এই ধরনের কোদল করার চেষ্টা করলো, আমার মনে হয় যে উনি মিমদের কাছ থেকে এই ধরনের চক্রান্ত করার চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এই চক্রান্ত থেকে হয় আমজাদকে বিরত থাকতে হবে, নয় আমজাদকে আগামী দিনে এইভাবে রাজনীতি করতে এখানে দেওয়া হবে না। এটা একদম পরিষ্কার ভাষায় কথা, কেউ কাউকে এখানে গার্ড করে থাকে না। এই বিষয়ে পার্টি কি পদক্ষেপ নেবে? পার্টির পদক্ষেপ, বিধায়ক ছিলেন, ব্লক প্রেসিডেন্টের সামনে ঘটনা ঘটেছে, ব্লক প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে দেখছি। আমরা আমাদের যুব তরফ থেকে উপরকে জানাবো, আমরা আরও জিতেন্দ্র তেওয়ারি আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট আছে ওনাকে জানাবো। কারণ এখানে আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে একজন আমজাদকেও আছে, আক্তার হোসেনকেও করেছে, কি করেছে আমাদের জানা নেই। তবে যারা মিম থেকে এসে ভাবছে যে দুদিন আগে মিম করার পরে এখানে এসে কুলটির রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরাবে, ওরা মূর্খের সঙ্গে বাস করছে, এটা কুলটি ওকে ভাবতে হবে ভালো।